हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका वेलकम है। तो जैसा कि आप जान रहे थे कि लास्ट डे हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो चलिए अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो हम डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन। जैसा कि मालूम है आपको कि कल हम ऑक्सीडेशन का एक छोटा पार्ट एक्सप्लेन किए थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन लिखते हैं और इसके बाद और जो डिफिनीशन है वो आपको बताना होगा। हम एग्जांपल देंगे और आपको डिफाइन करना होगा। तो हम चलते हैं। तो कल क्या देखे थे हम लोग कि ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसी को हम सजा कर बोलेंगे कि द केमिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो चलिए हम लिखते हैं इसको डिफिनेशन। द केमिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स पॉइंट ए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कल एग्जांपल हम बताए थे, एक्सप्लेन किए थे कि एक कार्बन है आपका, मान लेते हैं कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, बन जाता है आपका क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये देखिए कि यहाँ देखिए आपका कार्बन था, यहाँ देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब यहाँ से यहाँ हम लोग चलते हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ आने में, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने पे यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो गया। यानी इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अगला एग्जांपल उस दिन दिए थे हम सल्फर का। ये आपका सल्फर है, ये ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करता है तो बनता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फिर वही यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ आपका सल्फर है, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ से यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। चूंकि हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसलिए हम कहेंगे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर इसको अदर स्टाइल में भी कह सकते हैं कि सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया। क्या चीज में ऑक्सीडाइज हो गया? तो सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो गया। उसी प्रकार आप देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग एयर में जलाते हैं, ये मैग्नीशियम है,
हम इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रहा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर वही बात, यहाँ देखिए क्या है आपका मैग्नीशियम है, यहाँ देखिए क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहाँ से यहाँ देखिए क्या चेंजिंग हो रहा है। तो पहले मैग्नीशियम था, अब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। चूंकि हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, या कहेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया, या कहेंगे कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और ऑक्सीडेशन का और दूसरे तरह से हम डिफाइन करेंगे, एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ और दूसरा स्टाइल में भी इसको हम लोग ये करेंगे। दूसरा स्टाइल में दूसरा डिफिनेशन एक्सप्लेन करने से पहले कुछ एक सिंपल आइडिया आपको इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बारे में समझा दे रहे हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। देखिए पीटी का थोड़ा नॉलेज होगा आप लोगों को, फिर तो हम एलेवेंथ में बताएंगे ही पीटी, डिटेल से बताएंगे आप लोग को, लेकिन टेंथ लेवल पे आप थोड़ा सा आइडिया इसका रखते होंगे। जैसे देखिए हमारे पास ये 5A का एलिमेंट है, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस, 6A का एलिमेंट है आपके पास ऑक्सीजन सल्फर, 7A का एलिमेंट है आपके पास जैसे फ्लोरीन क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन भी है। ये आप टेंथ लेवल पर थोड़ा सा जानते हैं, नहीं भी जानते हैं कोई बात नहीं, बस इतना ही को याद कर लीजिए। ये देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। अब ये नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहते किसको हैं, क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। चूंकि एनायन का ये फॉर्मेशन करते हैं, एनायन का मतलब निगेटिव आयन जिस पर निगेटिव चार्ज हो, तो चूंकि निगेटिव आयन का एनायन का फॉर्मेशन करते हैं ये एलिमेंट, इसलिए इस तरह के एलिमेंट को इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहते हैं। हम डिटेल में आपको जब पीटी पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो वहाँ फिर से हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ हमको इसकी ज़रूरत है इसलिए हम इसको हम यहाँ हम लाए हैं। ऑक्सीजन के बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं, ये देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ध्यान से दीजिए। देखिए अभी 4-5 याद कीजिए ना, बाद में सारी बात हो जाएगी। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन सल्फर नाइट्रोजन फास्फोरस, ये 4-5 को याद रखने में क्या दिक्कत है, अभी याद रखिए कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, बाद में डिटेल से हम करेंगे हम। तो अब देखिए और या मतलब ऑक्सीडेशन और किसको कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के अलावे और किसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि हम फिर डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, एकदम डिफिनेशन हम नहीं लिखेंगे, डिफिनेशन आपको बताना है कि अगला डिफिनेशन क्या है ऑक्सीडेशन का। हम क्या करेंगे कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल लिख दे रहे हैं, अब उसमें आप रिसर्च कीजिए, उसमें उसका नेचर देखिए और बताइए हमको कि आखिर ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन क्या है। अब देखिए यहाँ
ये आपका मैग्नीशियम है और ये फ्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है और ये रिएक्शन करके मैग्नीशियम फ्लोराइड बना रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम फ्लोराइड बना रहा है। तो अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ क्या है, मैग्नीशियम है, यहाँ क्या है, मैग्नीशियम है। अब क्या यहाँ से यहाँ चेंजिंग हुआ है भाई, किसका एडिशन हुआ है भाई, तो एडिशन हुआ है फ्लोरीन का। एडिशन क्या हुआ है, किसका हुआ है, फ्लोरीन का। मतलब फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। दूसरा एग्जांपल देख रहा हूं, मान लिया कि मैग्नीशियम ही ले लिया मैं, ठीक, कोई बात नहीं है। अब मैं क्लोरीन गैस से रिएक्शन करा रहा हूं, ये बन गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया आपका। फिर यहां हम चेक करेंगे, फिर यहां हम चेक करेंगे, यहां से यहां क्या हो रहा है भाई, तो देखिए तो क्या हो रहा है, यहां मैग्नीशियम है, यहां मैग्नीशियम क्लोराइड है। मतलब किसका एडिशन हुआ है, किसका एडिशन हुआ है आपका, तो सल्फर, ये क्लोरीन का एडिशन हुआ है, यानी एडिशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। ओ, यहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो रहा है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये मैग्नीशियम ही है, एकदम सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, आगे चलकर थोड़ा और एग्जांपल लूँगा, चूँकि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझाना है हमको, इसलिए सिंपल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ताकि बात आपको सही से समझ में आए, क्योंकि आप 10th से 11th में आए हैं और 10th से 11th में कॉन्सेप्ट का थोड़ा ज़्यादा जंपिंग है, बीच में ज़्यादा गैप है। जैसे 8th से 9th में गैप नहीं होता है, 9th से 10th में तो उतना गैप नहीं होता है, लेकिन 10th से 11th में गैप थोड़ा ज़्यादा होता है। हम चाह रहे हैं कि इस गैप को भरते हुए चलें, इसलिए मैं आपके बीच सिंपल सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए ये मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम का रिएक्शन हम सल्फर से करा रहे हैं, ये सल्फर से रिएक्शन कर रहा है, तो ये बन गया मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड बन गया आपका। अब देखिए फिर वही बात, यहां मैग्नीशियम है, यहां मैग्नीशियम सल्फाइड है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, तो देख रहे हैं आप सल्फर का एडिशन हो रहा है, सल्फर का एडिशन हो रहा है, सल्फर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ओ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, यानी एक नया डिफिनेशन और आ गया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वो तो डिफिनेशन है ही, लेकिन अगर वो नहीं रहे और उसके बदला एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो, तो वहाँ भी हम ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। यानी वो डिफिनेशन या तो फिर ये डिफिनेशन। तो क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, अब आप लोग डिफाइन कर दीजिए इसको, क्या डिफाइन करेंगे, सब कोई बोलिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो यह लिखेंगे डिफिनेशन में क्या और में बी पॉइंट में, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव। इसको और थोड़ा फ्रेश कर दे रहे हैं आप लोगों के बीच, शायद आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा फ्रेश कर दे रहे हैं हम।
यानी डिफिनेशन क्या हो जाएगा आपका, एडिशन ऑफ, बोलिए सबको, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो पहला डिफिनेशन क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट डिफिनेशन ऑक्सीडेशन का दो समझ लिए, अब और सी, ठीक है। अब देखिए हम फिर डिफाइन आपको करना होगा, हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं फिर डिफाइन आपको करना होगा। एग्जांपल देखिए, ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ठीक है। और हम रिएक्शन करा रहे हैं इसे ऑक्सीजन गैस से, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा मेरा, प्रोडक्ट बनेगा सल्फर, और ये बन गया आपका H2O, ठीक है ना। अब देखिए आप, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ सल्फर है, आखिर आप ही बताइए कि यहाँ से यहाँ क्या चेंजिंग हो रहा है, देख के बताइए आखिर क्या चेंजिंग हो रहा है। तब आपका जवाब होगा कि सर यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड है, अब यहाँ सल्फर है, यानी हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन का ये भी डिफिनेशन है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ से आने में हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। यहां से यहां क्या हो रहा है भाई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो हम डिफिनेशन में क्या देंगे, हम यहां डिफिनेशन में क्या देंगे, यहां डिफिनेशन में देंगे क्या देंगे, सी पॉइंट में रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहां जहां हाइड्रोजन का रिमूवल होगा उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया डिफिनेशन का। अब और फोर्थ लेते हैं, अब एक बार फिर हम डिफिनेशन नहीं बताएंगे, डिफिनेशन आपको बताना है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यही ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, अब उसमें आप रिसर्च कीजिए, उसमें आप एग्जामिन कीजिए, उसको आप समझिए, उसके नेचर को देखिए, इसके बाद बताइए कि डिफिनेशन यहाँ पे इस एग्जाम्पल के हिसाब से ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन क्या होगा। तो ये देखिए हम लिख रहे हैं Na2O, ठीक है। इसके बाद ये प्रोडक्ट दे रहा है सोडियम दे रहा है, और आपका ऑक्सीजन दे रहा है। ये देखिए आप समझने वाली बात है, यहाँ अब यहाँ दो ऑक्सीजन है,
दो ऑक्सीजन बैलेंस कर दीजिए, चार चार हो गया। अब देखिएगा यहाँ दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, लेकिन पहले सिंपल एग्जांपल आप लोग को दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए और आप यहाँ देखिए, इस तरीका से देखिए आप, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है देखिए। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ सोडियम ऑक्साइड था और यहाँ ऑक्सीजन है, क्या हुआ यहाँ सोडियम रिमूव कर गया, मेटल रिमूव कर गया। अब मेटल को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ऑल मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। मेटल को इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन का लूज करके केटायन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इसीलिए मेटल्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहा जाता है। इसलिए यहाँ मेटल का रिमूवल हो रहा है, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है। इसलिए नया डिफिनीशन बन गया कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ लिखेंगे डिफिनीशन, नीचे लिख दे रहे हैं, जगह ऊपर नहीं है इसलिए नीचे लिख दे रहे हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। तो देखिए तो आप ऑक्सीडेशन का क्या क्या डिफिनेशन पे है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑक्सीडेशन हैं। हाँ, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस्ट पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन का क्या डिफिनेशन हुआ, डिफिनेशन यही हुआ कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, चाहेंगे तो शॉर्ट में बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन आओ ओ फोर ऑक्सीजन ओ फोर आओ आओ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हट हाइड्रोजन, हट एच फोर हट एच फोर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हट और ऑक्सीजन आओ, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब आओ ऑक्सीजन हट हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऐसे आप विजुलाइज करेंगे तो परमानेंट दिमाग में आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब शुरू कर रहा हूँ मैं, अब मैं शुरू कर रहा हूँ रिडक्शन, मैं रिडक्शन शुरू करने जा रहा हूँ। ये हुआ आपका रिडक्शन। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, रिडक्शन इज जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। मतलब रिडक्शन जो है सो ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा है, सब उलटते जाइए। मतलब ऑक्सीडेशन आप समझ गए तो रिडक्शन ऑलरेडी आपका प्रिपेयर्ड हो गया। मतलब बम्पर ऑफर, एक लगाओ दो पाओ, ऑक्सीडेशन समझ गए तो रिडक्शन आसानी से समझ गए। अब उसको पलटते जाना है, हमको सब जगह पलटते जाना है। क्या पलटेंगे भाई, वहाँ क्या था बताइए आप ही, ऑक्सीडेशन में क्या था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था ना ऑक्सीडेशन में, इसको उलटिए ना भाई उलटिए। वहाँ रिमूवल क्या था, हाइड्रोजन, तो यहाँ एडिशन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। वहाँ आपका एडिशन क्या था, ऑक्सीजन, तो यहाँ रिमूवल का हो जाएगा ऑक्सीजन।
जस्ट रिवर्स कर देना है। मतलब आप अगर ऑक्सीडेशन को सही से समझ गए तो रिडक्शन आसानी से समझ में आ जाएगा, बस उसको रिवर्स कर देना है। तो चलिए हम, आप जैसे सोच रहे होंगे, आप जैसे विजुलाइज कर रहे होंगे, आप जैसे इमेजिन कर रहे होंगे, उसी इमेजिन को हम यहाँ बोर्ड पर रख दे रहे हैं, अपने मन से हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो रिडक्शन में क्या लिखेंगे? रिडक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स, रिडक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स। अब आप बताइए, हम थोड़े ना बताएंगे, उसको रिवर्स कीजिए। रिवर्स कर रहे हैं, वहां था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां क्या कर देंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जहाँ जहाँ भी हम देखेंगे हाइड्रोजन का एडिशन, वहाँ वहाँ हम कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। जैसे देखिए आप, हम एग्जांपल ले रहे हैं, जहाँ जहाँ एडिशन हम होगा वहाँ हम बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। अब कुछ एग्जांपल ले रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का, वहाँ एग्जांपल ले लेंगे हम। तो आइए, हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं आपके बीच। हम देखिए ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़े हैं, ये देखे होंगे आप लोग, ये देखिए याद है क्या है? ये इथीन है। और ये इसमें हाइड्रोजन का रिएक्शन करा रहे हैं। जब हाइड्रोजन का रिएक्शन करा रहे हैं तो टेंथ में पढ़े होंगे एडिशन रिएक्शन, शायद याद होगा कि एडिशन रिएक्शन मल्टीपल बॉन्ड में होता है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका CH3CH3। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ, ये देखिए यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे व्हाट? रिडक्शन। जहाँ जहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा उसको बोलेंगे हम क्या चीज? रिडक्शन बोलेंगे हम। तो इसको बोल देंगे हम रिडक्शन। ये हो गया आपका रिडक्शन। फिर उसी तरह से इसको हम आगे बढ़ाएंगे उसी स्टाइल में। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ही माना जाता है, हालांकि ये नॉन मेटल है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ क्या करेंगे कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड, वहाँ क्या था? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ क्या होगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जस्ट हम रिवर्स करते जाएंगे, कहीं यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको रिवर्स करते जाएंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट,
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मान लो कि यहाँ मेरे पास सल्फर है, इसका रिएक्शन हम सोडियम से करा रहे हैं, तो बनेगा आपका क्या? सोडियम सल्फाइड। अब देखिए, ये यहाँ देखिए आप, यहाँ सल्फर है और यहाँ सोडियम सल्फाइड है। ध्यान से देखिए, यहाँ सल्फर है, यहाँ सोडियम सल्फाइड है। यहाँ से यहाँ आने में बताइए आप क्या चेंजिंग हो रहा है या क्या एडिशन हो रहा है? तो एडिशन सोडियम का हो रहा है, और सोडियम इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सोडियम इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है। और चूंकि हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट व्हाट? रिडक्शन, इसलिए किसका एग्जाम्पल है? ये रिडक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए अब सी में हम लोग पढ़ेंगे इसका डिफिनेशन, अगला डिफिनेशन, फिर उसी को जस्ट रिवर्स करते चलिए। जो रिवर्स करते चले हैं हम लोग, सारा चीज रिवर्स करते चलिए। रिमूवल में आइए, आएंगे रिमूवल ऑफ, वहाँ क्या था ऑक्सीडेशन में? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था ना, तो यहाँ लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ही हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। और कहीं से ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। जैसे आपका मरकरी 2 ऑक्साइड है, इसको हीट करेंगे तो मरकरी आपका अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा आपको, ठीक है ना? अब देखिए इसको बैलेंस कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, देखिए यहाँ, यहाँ मरकरी ऑक्साइड था आपका और यहाँ मरकरी है। अब यहाँ से आने में क्या हो रहा है देखिए ध्यान से। यहाँ मरकरी ऑक्साइड था, यहाँ मरकरी, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव कर गया। ऑक्सीजन रिमूव कर गया तो हम बोलेंगे कि मरकरी 2 ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। उसी प्रकार से हम ये और में जाएगा, उसी प्रकार से और डी पॉइंट देंगे हम, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हम लोग पढ़ेंगे उसी तरीका से, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। अब चाहेंगे तो अपने से आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, चाहेंगे तो आप चाहेंगे तो दे सकते हैं एग्जाम्पल अपने से। कोई ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जहाँ से एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, जैसा कि हम एक एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। मान लिया जाइए आयरन 3 क्लोराइड है और इसका रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन गैस से करा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा Fe Cl2, और इधर बन जाएगा आपका HCl। अब देखिए आप ही देखिए कि यहाँ ये आयरन 3 क्लोराइड है और आयरन 2 क्लोराइड है। यहाँ देखो देखिए 3 क्लोरीन था और यहाँ देखो 2 क्लोरीन है। एक क्लोरीन का रिमूवल हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हुआ है, यानी एक एलिमेंट का, एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हुआ है। तो जानते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड
रिडक्शन, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया है, रिडक्शन का एग्जाम्पल हुआ। तो यहाँ भी रिडक्शन का चार पार्ट फिर से एक मरतबा देख रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। इस प्रकार हम देखेंगे कि ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बेसिकली आपका डिफिनीशन आपका कंप्लीट हो गया। फिर इसको हम आगे पढ़ेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इसके बाद पढ़ेंगे बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। ये बेसिक लेवल पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोग क्या करेंगे कि अपने बुक में, अपने बुक को ओपन करेंगे और ये सब एग्जाम्पल देख देख के आप लोग क्लियर करेंगे। एक बात आप जान लेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हमेशा साथ साथ होता है, अकेले संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है अकेले। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा ही, और रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा ही। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमेशा साथ साथ होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आप लोग को, ये देखेंगे आप लोग, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल, ये टेंथ क्लास में आप लोग एग्जांपल पढ़े होंगे, टेंथ क्लास में एग्जांपल पढ़े होंगे आप लोग। ये देखें आप लोग टेंथ क्लास में, ये आपका कॉपर ऑक्साइड है, एकदम जाना पहचाना एग्जांपल, और ये आपका हाइड्रोजन गैस है। अब ये आपका कॉपर बन गया और ये आपका H2O गैस बन गया, सॉरी H2O लिक्विड बन गया आपका। ये देखिए, अब देखिए तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है बताइए आप ही लोग, वीडियो को पॉज कर लीजिए आप लोग, अब बताइए कि यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है। और इसके बाद ये भी बताइए कि यहाँ से और यहाँ क्या हो रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए हमको। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग बता दिए होंगे। देखिए यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ वाटर है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। अभी तुरंत बताए हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिएक्शन हमेशा साथ साथ होते हैं, अकेले संभव नहीं है। कोई कहे कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं, अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहीं रिडक्शन भी हो रहा है। बच्चे में हम लोगों को कुछ लोग बेवकूफ़ बनाते थे, ये क्वेश्चन करते थे हम लोग से कि ये बताओ कि इस साल लगन में किसका ज़्यादा शादी हुआ है, लड़का का शादी हुआ है कि लड़की का शादी हुआ है, उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं हम लोग। अरे भाई, लड़का का शादी हुआ है तो कहीं लड़की का भी शादी हुआ है, अगर लड़की का शादी हुआ है तो लड़का का भी शादी हुआ है। अब कोई कहे लड़का के हमको शादी हो गया है विदाउट गर्ल, ये संभव नहीं है। अगर कहीं लड़की का शादी है तो कहीं लड़का का भी है, कहीं लड़का का हुआ है तो कहीं लड़की का है, अकेले ये सिंगल पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहीं रिडक्शन भी हो रहा है, कहीं रिडक्शन हो रहा है तो कहीं ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमेशा साथ साथ होते हैं। तो हम इसको लिख दे रहे हैं स्टार देकर
कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑलवेज आकार, ऑलवेज आकार साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमेशा साथ साथ होते हैं। ठीक है, आप लोग फिर एनसीईआरटी ओपन कीजिएगा और इसके बारे में डिफिनीसन बताइएगा और डिफिनीसन पढ़िएगा और उसको और एग्जांपल आप कलेक्शन कीजिएगा। सबसे ज़्यादा है कि आपको कलेक्शन करना है एग्जांपल और एनसीईआरटी से। अभी ज़्यादा लंबा चौड़ा बुक की बात नहीं है, ये नहीं कि ये बुक वो बुक, आपको क्या होंगे कुछ लोग कंफ्यूज करके कि ये बुक लो वो बुक लो ये लो ये लो और सब बुक पढ़ के कंफ्यूज कर जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमारा फोकस रहेगा, आपको अगर क्वेश्चन करना है तो एनसीईआरटी से करना है, सारा क्वेश्चन सोल्व करना है तो एनसीईआरटी से करना है, सारा कुछ एनसीईआरटी से करना है। उसके अलावा जो भी करना होगा हम करवाएंगे आपको, आपको अलग अलग बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये लो बुक, वो लो बुक, वो राइटर, वो राइटर, वो फॉरेन राइटर, वो सब नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी पर कंसंट्रेट कीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसी के साथ आज की मेरी सभा समाप्त होती है। धन्यवाद।